चलती लोकल में महिला यात्री के साथ लूट मारपीट के बाद फोन और पर्स लेकर आरोपी हुआ फरार। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन कभी कभी जानलेवा और असुरक्षित हो जाती है। बोरीवली जीआरपी की हद में चलती लोकल ट्रेन के अंदर एक अकेली महिला यात्री के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। महिला डिब्बे में अकेली थी। अकेली महिला को देखकर एक अनजान शख्स ने न सिर्फ महिला के साथ मारपीट की बल्कि उसका फोन और पर्स लेकर फरार हो गया। हालांकि घटना के 24 घंटे के भीतर ही रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बोरीवली जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भास्कर पवार ने बताया कि दो दिन पहले सुबह 7:30 पर एक 24 वर्षीय महिला यात्री मच्छी लेकर वसई अपने घर जा रही थी और जैसे ही महिला 7:45 की लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में बैठकर यात्रा करना शुरू की तभी एक संदिग्ध यात्री उस डिब्बे में चढ़ गया। पूरे डिब्बे में महिला को अकेला देख आरोपी उसका मोबाइल छीनने लगा। जब महिला ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी और पर्स व मोबाइल लेकर आरोपी चलती ट्रेन से उतर भाग गया। घटना सामने आने के बाद बोरीवली जीआरपी पुलिस ने धारा 394-506 के तहत मामला दर्ज कर जब बोरीवली रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया तो उसमें एक संदिग्ध लड़का दिखा। पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त को हमें जानकारी मिली कि आरोपी वसई रेलवे स्टेशन के पास आने वाला है, जिसके बाद ट्रैप लगाकर जीआरपी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम आकाश बाबू ढोंडे है। ये अंधेरी इलाके में रहने वाला है। आरोपी पहले भी इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जिस ट्रेन में यह हादसा हुआ वो ट्रेन बोरीवली से सुबह 7:57 की ट्रेन है। वो डायरेक्ट विरार से बोरीवली आती है और बोरीवली के बाद डायरेक्ट वसई जाती है। रेलवे पुलिस ने महिला यात्रियों से भी अपील की है, कभी भी जिस महिला डिब्बे में गार्ड तैनात रहे उसी डिब्बे में यात्रा कीजिए, अकेले यात्रा मत कीजिए। अगर महिला यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो 24/7 15/12 पर कॉल करें। परसों के दिन सवेरे 7:30 पे एक महिला प्रवासी, उसका उम्र था 24 ईयर, वो अपने मच्छी लेके घर जा रही थी, वसई जा रही थी। तभी उन्होंने 7:57 का लोकल ट्रेन महिला डब्बे के अंदर बैठ के प्रवास चालू किया। जैसा प्रवास चालू हो गया तभी तुरंत एक संदिग्ध आदमी उस डब्बे में चढ़ गया। उस डब्बे में वो लेडी के सिवा कोई दूसरा पैसेंजर या लेडी प्रवासी नहीं थी। उनका फ़ायदा लेके उन्होंने तुरंत उस लड़की के ऊपर हावी होके उनके पास से मोबाइल छीना। नहीं देने के बाद उन्होंने उसको मारा पीटी की और उसके पर्स का 200 रुपये पर्स निकल के खींचा और वो गाड़ी से उतर के निकल गया। लेडी को जब भी मारा होने के बाद हमारे पास रिपोर्टिंग हुआ तभी हमने उनका कंप्लेंट रजिस्टर किया। धारा 394 के तहत हमने रजिस्टर किया और उस लड़की को मारा था उसका मेडिकल किया और उन्हें नोन किया। उसके बाद हमारे जो डिटेक्टिव स्टाफ है, हमारे ऑफिसर है, उन्होंने बोरीवली रेलवे स्टेशन के ऊपर सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद हमें एक जो संदिग्ध लड़का था उनका इमेज मिला। वो हमने इमेज हमारे पूरे बोरीवली पुलिस के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दे दिया और उसको हमने ट्रैप लगा दिया। हमें कल ही दिन दिनांक 13 को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा आदमी वसई में आने वाला है करके। तभी हमारा टीम डिटेक्शन टीम उधर जाने के बाद उन्होंने अपना सोर्स यूज़ करके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने इस प्रकार का गुनाह पहले एक किया था, वो उन्होंने मालाड में किया था। उनके पास भी वो हमने मोबाइल का मालूम किया है। अभी हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर्टी कोई रिकवर किया नहीं है। 7:57 बोरीवली के अंदर जो पहली ट्रेन जो है वो 7:57 में वो डायरेक्ट विरार से बोरीवली आती है और बोरीवली के बाद डायरेक्ट वसई जाती है। वो कोई बीच में स्टेशन में नहीं रुकती है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लेडीज महिला प्रवासी को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टाफ नियुक्त किए हुए वही डब्बे में आप प्रवास कीजिए, अकेले प्रवास मत कीजिए। महिला की सुरक्षा हमारा प्रायोरिटी रहा है। हम लोग हमारा 24 आवर्स हमारा हेल्पलाइन रहता है 1512। आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी महिला डब्बे में चढ़ा है तो आप तुरंत ट्रेन की चेन खींच सकते हैं। जो आपके ट्रेन डब्बे के अंदर ट्रेन रहता है वो खींचना चाहिए और ट्रेन तुरंत रुकानी चाहिए, और नहीं तो अपने 1512 से फ़ोन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेशन में हमारा जो स्टाफ रहता है वो संदिग्ध आदमी को कैच कर सकता है।